नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक ढूंढ के लाए हैं, जो ट्रिक अगर आप अपने फोन में लगा देते हैं तो उस ट्रिक का यूज करके आप अपने फोन को जो है सबसे फास्ट तरीका से जो है चार्ज कर पाइएगा। या दोस्तों अगर आप भी अपने फोन को बार बार चार्ज करते करते परेशान हो चुके हैं तो आज का ये स्पेशल पूरा वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप एक ऐसा ट्रिक अपने फोन में लगा पाइएगा जिससे आपका फोन जो है सबसे फास्ट तरीका से जो है चार्ज होगा। तो ये सब कैसे संभव है और होगा कैसे जानने के लिए आपको मेरे पूरे वीडियो को जो है आप ही तक देखना पड़ेगा। फ्रेंड इस बार की वीडियो पे मैं आप सभी लोगों की तरफ से चाहता हूँ कम से कम 1000 लाइक जो है आ जाए। तो वीडियो को नीचे से लाइक कर देना है और शेयर पे टच करके इसे दोस्तों के पास शेयर कर देना है ताकि वो भी लोग जो है देख सके और ये ट्रिक जो है अपने फोन में लगा सके। उसके बाद नीचे जाके एड पब्लिक कमेंट पे टच करके एक प्यारा सा आपको कमेंट सबमिट कर देना है बैटरी लेकर। इससे क्या हुआ कि आप जो भी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा उन सारे कमेंट में से एक कमेंट को जो है यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो एक प्यारा सा आपको कमेंट थोड़ा में सबमिट जो है कर देना है। अब बात करते हैं कि आपका फोन जो है सबसे फास्ट तरीका से चार्ज कैसे होगा। तो उसके लिए हमें अपने फोन के डिस्प्ले पे चलना होगा। तो चलिए हम अपने फोन के डिस्प्ले पे चल के सीख लेते हैं कि क्या जो है ठीक करना है। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं अपने फोन के डिस्प्ले पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फोन का प्ले स्टोर जो है ओपन करना होगा। तो प्ले स्टोर आपको ओपन कर देना है। जब ये प्ले स्टोर ओपन हो तो आपको फास्ट चार्जिंग प्रो स्पीडअप लिखकर जो है सर्च करना है। जैसा कि देख सकते हैं डाउनलोड काफ़ी अच्छा 5M डाउनलोड है और 4.6 का जो है इसको रेटिंग मिला है। चलिए इसको जो है इंस्टॉल फोन में कर लेते हैं। तो इसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। लास्ट अपडेट देख लीजिए 8 अप्रैल 2020। तो देख सकते हैं हाल ही फिलहाल का ये अपडेट होकर ये ऐप आया है और काफ़ी ज़्यादा जो इसमें ऑप्शन जुड़ा हुआ है जो कि आपके फ़ोन को सबसे फास्ट तरीका से जो है चार्ज करने वाला है। तो इसको ऐप को जो है इंस्टॉल फोन में कर लेना है। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो फर्स्ट बार ये जो है आपके फ़ोन का बैटरी कितना ये बताएगा और सारा बैटरी का जो डिटेल बताएगा कि आपका बैटरी जो है कौन से मॉडल है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसका कैपेसिटी कितना है, उसका जो है इमेज पावर क्या है, सब कुछ जो है बताएगा। आपको स्टार्ट पे टच करना है। जब स्टार्ट पे टच कीजिएगा तो ये आपके फ़ोन को डिटेक्ट ब्राइटनेस, डिटेक्ट GPS, ये सारे को जो है यहाँ पे बूस्ट करेगा और ये जो भी जो है आपके फ़ोन के बैटरी को चार्ज होने में रोकता है ये क्या करेगा, उसको जो है यहाँ पे बंद करेगा। ये देखिए ऑटो ब्राइटनेस है, यहाँ पे हम जो है इसको बंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिटेक्ट GPS है, यहाँ पे ये बोलेगा कि GPS को बंद करो, जिससे क्या होगा कि बैटरी जल्दी जो है यहाँ पे चार्ज होगा। उसके बाद डिटेक्ट ब्राइटनेस, डिटेक्ट ओवर हीटेड है, तो ये ओवर हीटेड को कूल डाउन करेगा। ये देखिए कूल डाउन कर रहा है। तो यही प्रॉब्लम रहता है फ़ोन में जिसके कारण जो है फ़ोन लेट से चार्ज होता है और हमारा फ़ोन जो है ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता है। तो यहाँ पे ये सब जो डिटेक्ट करके सही कर दिया और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग शॉर्टकट को जो है यहाँ पे सही करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस को जो है यहाँ पे ऑन करना है। ये देखिए ऑन कर दिए। ऑटो ब्राइटनेस कितना रहना चाहिए ये जो है खुद बताता है। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ पे जो है सही का टिक लग चुका है। अब ये जो है फ़ोन बहुत ही जल्दी में जो है चार्ज होगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे रैम जो है 79% है, यहाँ पे मेमोरी का 108 GB में से जो है 83 GB जो यहाँ पे पैक हो चुका है, 62% जो यहाँ पे रैम खाली है और 36 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है। उसके बाद यहाँ पे जंक क्लीन पे टच करके आप अपने फ़ोन के सारे जंक को जो है क्लीन कर सकते हैं। ये आपके फ़ोन को जो है कहीं ना कहीं पे फंसाता रहता है जो कि आपको चार्ज करने में मदद करेगा अगर आप यहाँ पे इस सारे को क्लीन करके बंद कर देते हो। ये सारा ऐप जो है रनिंग था तो ये बंद कर देगा और इससे क्या होगा कि बैटरी जो है यहाँ पे ज़्यादा देर तक जो है चलेगा। मेमोरी क्लीन करना है तो यहाँ पे ये ओके पे टच करके इसको भी जो है आप क्लीन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको जो है आपको ऑन करना होगा फास्ट चार्जर प्रो का। ये देखिए ऑन कर दिए। अब बैक आते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनिंग कर रहा है और क्लियर करेगा ये सारे जो कचरा फाइल देख सकते हैं। ये सारा जो 220 MB, 415 MB ये सब जो है कहीं ना कहीं पे रनिंग रहता है जो कि चार्ज भी यहाँ पे हो रहा है और ये चार्ज भी हमारे फ़ोन को फास्ट चार्ज होने में रोकता रहता है। तो यहाँ पे क्लीन ऑल पे टच करके सारे को क्लीन कर देंगे। अब जो हमारा फ़ोन यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीका से जो है चार्ज होगा। तो इस तरह से हम अपने फ़ोन को सबसे फास्ट तरीका से जो है चार्ज जो है कर सकते हैं। ये चार्जिंग डिटेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे सब कुछ जो है इसको ठीक हम कर चुके हैं। अब और भी सारा ऑप्शन है क्लिपबोर्ड क्लीन का। देखिए क्लिपबोर्ड में क्लीन यहाँ पे देख सकते हैं अनबॉक्स 200 तो क्लीन ऑल कर देते हैं, इसको भी क्लीन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ऐड आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये डिटेक्ट करेगा, तो यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पे, और डिटेक्ट करके बता रहा है कि सब कुछ जो है अब ठीक ठाक है। अब आपके फ़ोन का बैटरी जो है काफ़ी देर तक जो है चलेगा। पहले 36 डिग्री सेल्सियस था जो कि 35 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान इसका बता रहा है कि अब जो है
कूल डाउन आपका फोन हो चुका है। अब यहाँ पे हम चार्जर पिन लगा दिए है, अब हमारा फोन जो है पावर चार्जर कनेक्ट हो गया है, हमारा फोन जो है सबसे फास्ट तरीका से जो है चार्ज होगा। आप देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं चार्जिंग जो है लग चुका है, 48 मिनट रिमेनिंग टाइम है और टाइम दो बार जो है चार्ज में ये लगा है वो ये बता रहा है। तो इस तरह से अब आप जो अपने फ़ोन को सबसे फास्ट तरीका से जो है चार्ज कर पाएगा अगर ये सारा सेटिंग जो अपने फ़ोन में कर देते हैं। तो चलिए हम बैक जो है आ जाते हैं। तो यही ट्रिक है जिसका यूज करके आप अपने फोन को सबसे फास्ट तरीका से और सबसे जल्दीबाजी में जो है चार्ज कर पाइएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि अपने फोन को सबसे फास्ट तरीका से जो है चार्ज कैसे करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही और लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसी तरह का हर रोज वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।